छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया चुनावी सभा को संबोधित। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज हाई स्कूल ग्राउंड वाड्रफनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान मोदी सरकार की गारंटियों को गिनाया, साथ ही साथ जम के कांग्रेसियों को कोसा। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को गोबर तक को नहीं छोड़ने की बात कही। आपको बता दें कि मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने भी अपने अलग अंदाज में लोगों को खूब हंसाया और चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को भारी मतों से जिताकर केंद्र में भेजने की बात कही। इस चुनाव सभा के दौरान लोग चिलचिलाती धूप में भी पहुंचकर और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। चुनाव चल रहा है तो लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। नीचे करिए आईडी है। यहाँ वाड्रफनगर में चुनाव प्रचार में शामिल हुए और इस चिलचिलाती धूप में भी भारी संख्या में मतदाता और कार्यकर्ता यहाँ पर आए और इस बात का प्रमाण है कि सभी लोग तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। श्री चिंतामणि महाराज जो हमारे सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। दो चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है, क्या कहेंगे? लगभग 75% लोग देखे। 19 तारीख को पहला चरण का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ का एक लोकसभा क्षेत्र था बस्तर, उसमें करीब 67% मतदान हुआ और कल दूसरे चरण में 3 लोकसभा का मतदान संपन्न हुआ है, आपका राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद का, और कल 74% से ऊपर मतदान हुआ है। सर, आज जिले में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है, चारों सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और इस बार पूरी सीट 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। सर, जिले में आज पीसीसी चीफ भी पहुंचे हुए हैं। सर, आज का मुद्दा किया था सर, वो भी आज का खारिज है आपके पास? अभी तो कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं, देश की और छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको हार का ठीकरा फोड़ना पड़ेगा ना। जब ये लोग जीत जाते हैं तब तो बिहेव इनके लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन स्पष्ट हार इनको नजर आ रही है, इसलिए पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई हार का कोई ना कोई कारण तो उनको बताना पड़ेगा, तो इसीलिए ईवीएम पर मतलब ब्लेम लगाते हैं। सर, पीसीसी चीफ भी आज जिले में पहुंचे हुए। सर, वो बोल रहे हैं कि नक्सल को कागजों पर चोर भगाया गया, 10 साल भाजपा की सरकार थी, कागजों पर भगाए थे। अभी कांग्रेस के लोग ऐसे लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज जो मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलवाद के साथ और नक्सली अपना लिस्ट जारी कर रहे हैं मतलब मारे जाने वालों का और उनको ये लोग शहीद कहते हैं, तो इससे और शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती।